बेटा प्रकाश तो देश में सबका स्वागत है। मैं हूँ पंडित कृष्ण शास्त्री अस्ट्रो, अपने YouTube चैनल में सबका स्वागत करता हूँ। तो सभी मित्रों को आज नया विषय लेकर आया हूँ इस तपोस्थल पर। इस पानी के प्रभाव के साथ आज हम इस स्थान पर बैठे, इस पवित्र स्थान पर, इसकी अलग ही एक अनुभूति है और ऐसा एक विषय है जो हमारे कुंडली में अक्सर आपको मिलता है, काल सर्प योग। आज श्रवण मास चला है, उस श्रवण मास में इस काल सर्प योग की शांति के लिए लोग रुद्राभिषेक इत्यादि, महामृत्युंजय जाप, रुद्राभिषेक और शिव का पूजन करते हैं। और ऐसे ऐसे स्थानों पर आप देख सकते हैं, अगर ऐसे स्थानों पर कहीं पर ऐसे स्थानों पर इसका रुद्राभिषेक करना बहुत ही महत्वपूर्ण कहा गया है, और वो भी हिमालय से हिमाचल की चंबा नामक स्थान पर। तो काल सर्प योग, ये योग कैसे बनता है, इसके क्या उपाय, मैं बताना चाहूँगा आज। ज्योतिष की परिभाषा में काल सर्प शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बनता है, काल और सर्प। जब सूर्य आदि सातों ग्रह राहु सर्पमुख और केतु सर्प की पूंछ के मध्य में आ जाते हैं, अर्थात जब राहु और केतु के बीच अन्य सभी ग्रह आ जाते हैं, तो काल सर्प योग नामक जो है आपका योग बनता है। जिसकी कुंडली में योग होता है, जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव उसको देखने को मिलते हैं, अनेकों उसके साथ जो घटनाएं घटित होती हैं, और इस संसार में उसको अनेक जंजालों से आगे गुजरना पड़ता है। और काल सर्प योग के अतिरिक्त सकारात्मक ग्रह अधिक हो तो व्यक्ति उच्च अधिकारी भी बनता है, ये भी इसके साथ विषय दूसरा जुड़ता है। सकारात्मक ग्रह अधिक होने से व्यक्ति जो है उच्च अधिकारी बनने के योग भी बनते हैं, परंतु एक दिन उसे संघर्ष अवश्य करना पड़ता ही है, संघर्ष में जीवन होता है। यदि नकारात्मक ग्रह अधिक होते हैं तो जातक को बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है। यदि उसकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो घबराएं नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, यदि आपकी कुंडली में इस प्रकार का योग बनता है, तो इसके उपाय आसानी से किए जा सकते हैं, इससे होने वाले कष्टों से निजात आप पा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में ये योग बनता है, राहु और केतु के बीच में अगर आपके अन्य ग्रह आते हैं। काल सर्प दोष के लक्षण क्या है, तो आपके पैसे में बरकत नहीं होगी, आप 10 रुपये कमाएंगे तो 9 रुपये खर्च देंगे और 1 रुपये बचेगा तो वो भी आपके शुभ कार्य में नहीं खर्च होगा, और अधिक ही आपको बीमारी लगेगी, दुर्घटना इत्यादि होगी। अगर गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी बार बार कहीं ना कहीं टकराएगी, उस पर आपका खर्च होने वाला है और किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी, अर्थात घटना दुर्घटना चोट लगना बीमारी आदि का होना, विद्या अध्ययन में रुकावट होना, पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है, ऐसे योग होता है। अर्थात जो जातक अगर काल सर्प योग है, दुर्घटना नहीं होती, लेकिन चिड़चिड़ापन अपने परिवार के साथ उसका मिलनसार नहीं होता, माता पिता के साथ नहीं होती, हमेशा समाज से और दुनिया से अलग ही करता है, चाहे अगर दुनिया इस तरफ जा रही है तो पीछे की तरफ घूमना पसंद करेगा। पढ़ाई में मन इसका जो खिन रहता है, अध्ययन से व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं, घर परिवार मांगलिक कार्यों में दौरान बाधा उत्पन्न हो जाती है, आए दिन नई नई दुर्घटनाएं जो है घटित हो जाती है जिनका ये काल सर्प नामक योग होता है, और बीमारी के कारण का पता भी नहीं चलता, कोई बीमारी लगती है उसके कारण का कोई पता नहीं चलता। घर में किसी सदस्य से प्रेत बाधा का प्रकोप रहना, दूसरे दिन दिमाग का चिड़चिड़ापन रहना, इस दोष के चलते घर की महिलाओं को कुछ न कुछ समस्याएँ भी जो है उत्पन्न रहती हैं, चाहे वो जातक की माता हो, पत्नी हो, औरतों को जो समस्या कोई न कोई लगी रहती है। यदि ऐसी स्थिति दिखाई दे तो काल सर्प दोष का ही लक्षण होता है, और निश्चित रूप से किसी विद्वान ज्योतिषी के पास संपर्क आपको करना चाहिए, ताकि इसका जो उपाय है वो आप करवा सकें, और इसके लिए जो है रोज घर में कलह का होना भी एक स्वाभाविक चीज़ जो है मानी गई है काल सर्प दोष के कारण, और परिवार एकता खत्म हो जाती है, वो परिवार को बिल्कुल ही खत्म करने पर ऐसा बालक जो है आ जाता है जो समाज से और परिवार से बिल्कुल भिन्न करना चाहता है, और उस अपने समाज के प्रति उसका जो नकारात्मक रवैया है निरंतर अपने परिवार के ऊपर जो है हावी हो जाता है। सर काल सर्प दोष की पहचान कैसे करें, ये ज्योतिषी कुंडली जब लग्न मेष विषया कर्क हो तथा राहु की स्थिति 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 या 12 भाव में हो, तब उस स्थिति में जातक स्त्री पुत्र धन धन्य व अच्छे स्वास्थ्य का सुख प्राप्त करता है। जब राहु 6 भाव में अवस्थित हो तो बृहस्पति केंद्र में जातक का जीवन खुशहाल व्यतीत होता है। जब राहु व चंद्रमा की युति 2, 4, 7, 10 भाव में तो त्रिकोण में हो तो जातक के जीवन में सुख समृद्धि सारी सुविधाएं जो है आपको प्राप्त होती है। इस प्रकार से जो है आपके जो काल सर्प योग है ये घटित आपकी कुंडली में
होता है। और इसके साथ जब राहु के साथ बृहस्पति युति हो तो जातक को तरह तरह के अनिष्टों का सामना करना पड़ता है। जब राहु की मंगल से युति हो तो अंगारक योग हो जाता है, जो जातक को भारी कष्ट का सामना करना पड़ता है। जब राहु के साथ सूर्य चंद्रमा की युति हो तब जातक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से आप कुंडली में इस प्रकार की जो है आप देख सकते हैं। और इस स्थिति में जब लग्न में लग्नेश सूर्य व चंद्र कुंडली में बलवान हो तो तब काल सर्व योग में प्रतिकूलता कम हो जाती है। जब राहु अदृश्य भाव में स्थित होकर दूसरे का दृश्य भाव में स्थित हो तो संबंधित काल सर्व योग समृद्धिदायक भी होता है। और इस प्रकार से काल सर्व योग वाला व्यक्ति जो है हर प्रकार से जो है मानसिक रूप से जो है परेशान रहता है। काल सर्व योग का विपरीत असर काफी कम हो जाता है जब शनि अपनी राशि या उच्च राशि में केंद्र में अवस्थित हो और अशुभ ग्रह से युक्त होकर दुष्ट हो, तब काल सर्व योग का असर काफी कम हो जाता है। और काल सर्व योग के व्यक्तियों को सावन मास में, शिवरात्रि में, माघ मास में रुद्राभिषेक करवाएं, 11 पाठ रुद्र के विद्वानों से करवाने चाहिए ताकि उसका जो असर है बिल्कुल ही कम हो जाता है। और इसके साथ महामृत्युंजय जाप भी कर सकते हैं और नित्य आप जो है अपना शिवलिंग के ऊपर पंचामृत का स्नान कर सकते हैं, दूध का स्नान कर सकते हैं और शिव का जो है पूजन निरंतर करें। ओम नमः शिवाय और त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकनाथ मृत्युर्मुख शिवावृतात नामक मंत्र का जाप करते हुए जो है शिवलिंग के ऊपर पंचामृत स्नान कर सकते हैं। ऐसे जातकों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपका काल सर्प योग है तो आपको जो है सर्वप्रथम जो है महामृत्युंजय जाप करवाएं। अगर महामृत्युंजय जाप 1,25,000 नहीं करवा सकते तो आपको जो है इसके लिए रुद्राभिषेक जो है अति आवश्यक, चाहे लघु रुद्राभिषेक करवाएं लेकिन रुद्राभिषेक करवाना अत्यावश्यक है। अगर उतना भी नहीं कर सकते तो अपने आसपास कहीं मंदिर में शिव का पूजन करें, सोमवार को शिव मंदिर में जाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें और शिवलिंग के ऊपर जो है आप दूध चढ़ा सकते हैं, दही चढ़ा सकते हैं, पंचामृत जो है चढ़ा सकते हैं और कुछ ना मिले तो पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं आप शिवलिंग के ऊपर। सफ़ेद पुष्पों को अर्पण करें, जल ही चढ़ा दें, ओम नमः शिवाय का जो है निरंतर जाप करें, सोमवार का जो है व्रत करें और सावन मास में बिल्कुल जो आप अपनी शुद्धि से अपने जो भी कर सकते हैं जितनी शक्ति आपके पास उतना कर सकते हैं तो माघ मास में सावन मास में जो है शिव का पूजन करें। तो ये था काल सर्प योग वाले व्यक्ति में क्या क्या कारण होते हैं, किस प्रकार के जो उसमें गुण होते हैं और क्या अवगुण होते हैं और उसको किस प्रकार से शांत किया जाता है। ये थी एक छोटी सी जानकारी। इसी प्रकार से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो हर एक व्यक्ति तक पहुँच सके, ताकि जिसका भी काल सर्प योग है वो जान सके उसे क्या करना चाहिए। धन्यवाद। महादेव महादेव महादेव।